है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। तो हमने पूज्य गुरुवर से आशीर्वाद लिया कि ऐसा ऐसा विषय
एक अभियान का है, आपका आशीर्वाद हो तो इस अभियान में सेवा के लिए गांव आज असली भारत कुछ गुरुदेव कहते हैं। भारत कहाँ है? भारत बंबई में नहीं है, भारत दिल्ली में नहीं है, भारत जबलपुर में नहीं है, भारत है तो गांव में है। आज देश में 6,40,000 लगभग गांव हैं और भारत की असली ताकत गांव में है। उस गांव की ताकत को जगाने के लिए एक अभियान अपना कार्यक्रम कर रहा है। इसी कार्यक्रम में 1400 विद्यालय से 5,000 विद्यालय की तरफ हमारा महाकौशल संभाग बढ़ गया है और 5,000 विद्यालय का विस्तार विकास हमारे हाथों पर हो गया है। अधिक समय न लेते हुए एकल अभियान का इस संक्षिप्त परिचय पर्याप्त है भी और नहीं भी है, इससे ज्यादा आज जरूरी है कि आज हमारे एकल अभियान का ये परिवार, ये आप लोग जो देख रहे हैं, ये जो बैठे हैं, ये किसी शहर के नहीं, किसी नगर के नहीं, किसी तहसील के नहीं, बल्कि उन गांवों के युवा हैं। जो गांव पहले कभी हम जाते थे तो पेड़ के पीछे छुप जाते थे, घर के दरवाजे बंद कर देते थे, घर के बाहर निकलते नहीं थे शहरवासियों को देखकर। आज ये न सिर्फ देश के नगरों में बल्कि देश की गली गली में और अमेरिका और लंदन जैसे देश में भी अपना कार्यक्रम देकर आए हैं। इन बिटिया को देखा, इन भाइयों को देखा, ये किसी शहर के नहीं है, ये गांव के हैं, इनको हिंदी भी अच्छे से नहीं आती थी और आज राष्ट्रभक्ति में देश सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। इनको कोई भुगतान नहीं होता, इनको कोई पैसा नहीं मिलता, इनको पेमेंट मिलती है और ये काम करते हैं, ये निशुल्क सेवा करते हैं। ये बात अलग है कि इनके परिवार की व्यवस्था, इनके परिवार की आवश्यकता और समय समय पर मूलभूत सुविधाओं के लिए, चाहे पढ़ाई का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे और भी अन्य कोई जीविकोपार्जन के विषय हो, ये विषय संगठन ध्यान रखता है। और ये हमारे कार्यकर्ता अंचल स्तर तक के हैं, इसके नीचे का एक स्तर संघ है और उसके नीचे का ग्राम है। यदि हम अपने पूरे कार्यकर्ताओं को यहाँ पर सिर्फ महाकौशल के गुरुदेव लेकर आते तो लगभग हमारे 8,000 से 9,000 कार्यकर्ता यहाँ पर महाकौशल संभाग के इकट्ठे हो जाते। लेकिन एक उनमें से एक केंद्र बिंदु है जो अंचल केंद्र पर बैठकर, भार केंद्र पर बैठकर, संभाग केंद्र पर बैठकर इस अभियान को दिल्ली लखनऊ कलकत्ता से आई हुई बात को भाग और अंचल और अंचल से संच और संच से ग्राम तक पहुंचाकर पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से संस्कार आदि को लेकर, व्यसन मुक्ति को लेकर, खेती कैसे हमें करना है, जैविक खेती कैसे हमें करना है, हमें अपने गांव को स्वच्छ कैसे रखना है, और जो विवेकानंद जी ने कहा था यदि बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं तो विद्यालय हमें बच्चों तक ले जाना है, बस यह अभियान वही काम कर रहा है। और आज के 2 वर्ष पूर्व पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हमें इस काम के लिए मिला और गुरुदेव को जब एक अभियान का काम बताया तो उनने कहा समाज का यह जमीनी काम है। एक जमीनी शब्द जो कान में गुरुदेव के मुखारविंद से हमारे गया, उस दिन से ऊर्जा और दूनी हो गई और उस ऊर्जा दूनी ऊर्जा से आज गांव गांव तक आज 5,000 विद्यालय का विस्तार करके 5,000 विद्यालय मतलब 5,000 गांव और एक हमारा ग्राम केंद्र अंदर अन्य 3 ग्रामों में भी अपना प्रभाव छोड़ता है। तो कहने का मतलब कि 20,000 ग्राम एकल अभियान के प्रभाव से हैं जो सभी प्रकार के उत्थान के लिए, स्वाभिमान के लिए, जागरण के लिए, स्वरोजगार के लिए काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता एक गांव से आए हैं, गांव के हैं, लेकिन आज शहर में बैठकर गांव तक गांव की आवाज शहर ला रहे हैं और शहर की उपलब्धियां गांव ले जा रहे हैं। और हम सबका परम सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव संयोग था आज बैठक 25 तारीख को यहां पर संभाग की थी, पूज्य गुरुदेव के पास हम गए, गुरुदेव ने अपने आशीर्वाद से आज अपनी सन्निधि देकर इन हमारे कार्यकर्ताओं को, इनको सेवाव्रती बोलते हैं। सेवाव्रति का अर्थ होता है इनने समाज की, देश की सेवा का व्रत अंगीकार किया है। ये 30 दिन में गुरुदेव 25 दिन
गांव में विचरण करते हैं, अपने अभियान के लिए काम करते हैं, 5 दिन बस एक अपने घर जाते हैं, शेष 25 दिन राष्ट्र की सेवा में, अभियान की सेवा में लगे रहते हैं। और घर भी ऐसे जाते हैं, यदि किसी गांव से गुजर रहे हैं और वहां पर रास्ते में इनका घर पड़ जाता है तो रात रुक जाते हैं, सवेरे फिर निकल जाते हैं अपने अभियान के लिए। इनके अंदर और ऊर्जा आए, इनके अंदर और संबल आए, ऐसा पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद हमें मिले और हम सब सौभाग्यशाली हैं। गुरुदेव वो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व क्या है उसके परे है भगवान है, भगवान क्या है भगवान के साथ साथ हम लोगों के लिए तीर्थंकर है। गुरुदेव का संयम, तप, त्याग, तपस्या, गुरुदेव ने अपने जीवन को 4 हिस्सों में अपने यहां सौम्य पानी की धारा में छोड़ दिया। पानी जिस दिशा में बहता गया गुरुदेव उस दिशा को अंगीकार करते गए, अपने जीवन को तपाया, साधना की, तपस्या की, उस तपस्या से, उस साधना से निखर के आए अनेकों शिष्य। तो पहला हिस्सा अपने आप को साधने में लगाया जीवन का, दूसरा हिस्सा अपने शिष्यों को दिया, चलता फिरता गुरुकुल बनाया, प्रतिभा स्थली जैसी एक पठन पाठन की संस्कार की संस्था आज देश में काम कर रही है, गौशाला जैसी संस्थाएं काम कर रही है। तृतीय हिस्सा समाज के उत्थान के लिए लगाया और चौथा जो पटल है गुरुदेव का आज राष्ट्र हित के लिए जा रहा है, जिसमें हथकरघा जैसा उद्योग खड़ा करके स्वरोजगार की स्थापना, आज एक मार्गदर्शन में एक अंदर की पीड़ा ने देश की गरीब जनता कैसे अपने घर में अपना रोजगार स्थापित कर सके, उसके लिए ये दर्द आया गुरुदेव के मन में। बहुत सारे लोग कहते हैं ये भी कितनी बिगड़ी बात है कि बिना कपड़ा वाला व्यक्ति तो आज लोगों के कपड़े की चिंता कर रहा है कि गरीब कम से कम अपने घर में अपने हाथ से कपड़ा बुन के तो पहन सकता है, फटा कपड़ा किसी का उतरा कपड़ा तो नहीं पहनना पड़ेगा, और यदि पुरुषार्थ करेगा तो 10-10, 20-30 हजार रुपए महीने हथकरघा के माध्यम से आज एक एक व्यक्ति कमा रहा है और अपने परिवार का और अपने कुटुंब का पालन पोषण कर रहा है। ऐसे गुरुदेव का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा, जो जिह्वा चाहे रचना इंद्रिय हो, चाहे पांचों कोई भी इंद्रियां हो, नमक नहीं लेना, शक्कर नहीं लेना, फल नहीं, फूल नहीं, सब्जी नहीं, कोई भी चीज भोजन ऐसा जो हमारी थाली में आए तो कहो हम थाली भी न देखें, उस भोजन को गुरुदेव मुस्कुराते मुस्कुराते ग्रहण कर लेते हैं और अपने पेट का गड्ढा रूपी पेट को भर लेते हैं। ऐसी साधना, ऐसी तपस्या की ऊर्जा में, आभा मंडल में आज हमारा एक अभियान परिवार बैठकर गुरुदेव के सन्निधि में, गुरुदेव के चरणों में अपने आप को आह्लादित महसूस कर रहा है, गर्वित महसूस कर रहा है। अनेक दिनों से हमारे कार्यकर्ता लगे हुए थे, गुरुदेव के दर्शन कब होंगे भाई साहब, गुरुदेव के दर्शन कब होंगे भाई साहब, हमने कहा आप लोग भावना भाव सहयोग बैठेगा, गुरुदेव के चरणों में हम होंगे और आज हम गुरुदेव के चरणों में हैं। अपन सब अपने दोनों हाथों को जोड़े, श्रीखर बनाए और गुरुदेव के चरणों में सिर झुका के नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव अपने मुखारविंद से हमें अभिभूत करें, मार्गदर्शित करें, दिशा निर्देश करें, ताकि हम सब अपना कल्याण, अपने देश का कल्याण, देश की सेवा कर सके। इसी भावना के साथ जय गुरु परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।
करने योग्य कार्य होती है जागृति के साथ, बिना कामना। संसार में कई लोग करते रहते हैं, सूर्य की भांति प्रतिदिन उठना और जिस किसी की प्रतीक्षा के बिना अपनी यात्रा पूर्ण करना, विश्राम लेना, पुनः वही कार्य। इसी भांति धरती पर कई लोग अपने जीवन के कर्तव्य समझ करके करते रहते हैं। जब कभी भी संयोग होता है तो ज्ञात होता है कि बहुत सारे उपासक यहाँ पर उपास के प्रति समर्पण भाव के साथ लगे हुए हैं। संयोग से मिल जाता है तो हर्ष और उल्लास एक प्रकार से अपने संकल्प को और बल मिल जाता है। एक दूसरे को प्रेरणा देना नहीं चाहते लेकिन फिर भी प्रेरित अपने आप ही हो जाते हैं और अपने आप ही जो प्रेरित हो जाते हैं वही एकमात्र कर्तव्य के प्रति और निष्ठा पैदा कर देते हैं। भारत का यह जीवन रहा है, जब कभी भी तूफान आ जाते हैं तो उसमें कुछ अंतर आ जाते हैं। वर्तमान में ऐसा ही है, भारत गुजर रहा है कुछ तूफानों के कारण, किंतु यह भी एक परीक्षा की घड़ी है। विद्यार्थी यदि विद्यालय में प्रवेश पाता है, विद्यालय का आश्रय चार दीवार को तो मैं मानता ही है, लेकिन फिर भी पहले विद्यालय वृक्षों तले भी विद्या का अध्ययन कराया जाता था और चोटी में संकल्प की ग्रंथि बांध करके वे अपने जीवन तक उसका निर्माण करते थे। फिर भी युग के अनुसार आज जो शिक्षा पद्धति वर्तमान में चल रही है उसमें भेद सा पड़ गया है और भेद पर एक प्रकार से बहुत ही गहन होता जा रहा है, होता गया है, उसको भी दूर किया जा सकता है। जैसे कोई नदी प्रवाह प्रवाहित है किंतु बीच में रास्ते में कोई पहाड़ आ जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा नर्मदा में कि इस प्रकार कई स्थानों पर भेद पड़ जाते हैं, लेकिन मूल में जो संकल्प है उसको देखते हुए वह भेद विज्ञान के लिए कारण बन जाता है। हमें उन पहाड़ों से कोई मतलब नहीं है, नदी प्रवाह तो नदी प्रवाह होता है। इसी प्रकार जीवन में विकास के लक्ष्य रखने के उपरांत में बीच में परीक्षाओं की घड़ी आती है। कल ही कुछ बच्चे आए थे, इससे तो बहुत हमारी कार की गति रुक जाती है ऐसा लगता है। नहीं, परीक्षाओं के कारण एक प्रकार से अपने संकल्प को बल मिलता है, दिशा मिलती है, इच्छा बढ़ जाती है।
हाँ, परीक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए यह थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। आज शिक्षा दी जाती है, लेकिन उद्देश्य क्या है ये थोड़ा सा धुंधला सा हो गया है। इससे विमुख होने के कारण ये प्रेरणा या दिशा बोध बार बार लेने की आवश्यकता पड़ रही है। प्रासंगिक समझता हूँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने एक बहुत मार्मिक बात कही, वह दिल को लग जाती है और जो संकल्प के धनी होते हैं उनके लिए वह एक भीतर ही भीतर मर्म बीजी बनकर के काम करता है, यह आवश्यक है। उन्होंने समझा लोग माने या न माने सुन तो लेंगे और सुन लेंगे तो कुछ उसमें से ऐसे भी होंगे कि शोर अवश्य अपने कदम बढ़ा सकते। जो आज आप लोगों ने इस पूरा पूरा कार्यक्रम का उद्देश्य सामने रखने का प्रयास किया, यह स्वतंत्रता जिस समय मेरी प्रथम चरण में भारत ने साक्षर बनाने का युवकों संकल्प लिया, हम साक्षर बने और उसमें सभी लोग शामिल हो गए, मन से वचन से कार्य से हो गए। किंतु प्रवेश पाने मात्र से हम देश के उद्देश्य को कभी भी पूर्णता नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी वह उद्देश्य कुछ भी हो सभी साक्षर होना अनिवार्य है, तो सब लोग उसमें लग गए। कुछ चिंतन करने वाले भी थे, उन्होंने कुछ बातें कहे भी थी कि नहीं सब होता जाएगा ऐसा कर करके, क्योंकि लोकतंत्र था एक व्यक्ति नहीं था, एक उद्देश्य होता ये संभव था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद यह उद्देश्य में कुछ गड़बड़ियाँ आ गई, उसके फलस्वरूप यह ऐसा निकला। तो साक्षर तो हो गए, संकल्प का एक रूप प्रथम चरण सामने आया, किंतु सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा, हमने सुना और पत्रिकाओं में पढ़ा जो आपके सामने रख रहा हूं, किंतु जो कहा वो बहुत मार्मिक है। क्या साक्षर अभियान जब सफल हो गया तो किंतु क्यों लगाया जा रहा है? साक्षर अभियान तो हो गया पूर्ण, किंतु उद्देश्य हमारा पूर्ण नहीं हुआ। क्या है कि हम जितने भी 95% युवकों को साक्षर बनाया, किंतु कहकर के वह आई का भाव हुआ अभिव्यक्त करते हैं, किंतु हमने युवकों को साक्षर तो बनाया किंतु नागरिक ने बनाया। आप सुन रहे हैं, हमें ये देखना है हम साक्षर तो बन गए ये पर्याप्त नहीं है, हमें नागरिक बनाने के लिए वह न्यायाधीश अपना उद्बोधन दे रहा है अथवा कर्तव्य को स्वीकार कर रहा है।
शास्त्र में वह न्यायालय में न्याय तो दे सकता है लेकिन शासन नहीं कर सकता। लेकिन शासन की पद्धति के बारे में कुछ कर तो जाता। शासकों को चाहिए कि उस पद्धति में अंतर लाए। यदि हमारे पास नागरिक ही नहीं है तो यह स्मार्ट सिटी वाली बात हमें समझ में नहीं आती। जब हमारे पास स्मार्ट विलेज का संकल्प नहीं हो तो ये कुछ ही नगरों को इस प्रकार वैभवशाली बनाने का अर्थ नहीं समझता है। गीत गाया जाता है बीच में श्वास लेने की अपेक्षा से संगीत में जोड़ दिया जाता है। यदि संगीत का लय ही ज्यादा हो गया तो गीत का विलय हो जाएगा। ऐसा ही कुछ नहीं सोचा जा रहा है। संगीत तो छा गया है लेकिन गीत के प्रति हमारा जो संबंध था भाव जो उन गीतों में था वो लुप्त से ऐसा हो गया ऐसा लगता है। अब हम कैसे कहें ताकि यह बोरियत न हो उदासी न छाया क्योंकि गीत को सुनने के लिए भी बहुत दलील चाहिए। वह चालू होता है शाम की संध्या के समय से और सुबह की संध्या तक भी चल सकता है और उसमें आ ई के अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन उस आ ई के बीच में जो सहज संबंध है लय है और उसमें विलय को भी हम भूल जाते हैं और प्रणय के सामने भी आ जाए तो हम अपने साहस के साथ उसको दूर करने का संकल्प कर सकते हैं। आज भारत को क्या हो गया कहने की आवश्यकता नहीं। न्यायालय के इस न्यायाधीश ने ये हम नागरिक नहीं बना पाए यह एक बहुत ही मार्मिक वचन है। यदि आप लोग इस ध्वनि को समझते हो तो यदि नागरिक नहीं है तो नगरों को बसाने से क्या मतलब। चार दीवार का नाम आवास नहीं है किंतु इस आवास के माध्यम से भीतर रहने वालों की रक्षा और उनके जीवन के प्रति जो देश के प्रति या आत्मा को जो पतित है पावन के लिए संकल्प नहीं कराते हैं तो इन आवासों में रहने मात्र से हम नागरिक नहीं कहलाए। क्या नागरिक की परिभाषा क्या लोकतंत्र को चल दिया 70 साल किंतु 70 साल में विद्यालय तो खड़े हो गए लेकिन एक उस विद्यालय से एक भी नागरिक नहीं बना पाए तो हमारा पुरस्कार पूरा का पूरा खाली चला गया। पढ़े लिखे जो बच्चे वो क्या समझेंगे हमारी पूरी भूमिका उस उद्देश्य से वंचित रह गई। तो लोकतंत्र के कुछ सूत्र और तंत्र हैं उन तंत्रों की वो दृष्टिपात यदि नहीं करेंगे तो केवल नगरों में जो बसे हैं लोग रहते हैं उन्हें को शिक्षित कराओ और विदेश भेज दो। ये क्रय विक्रय का जमाना आ गया है। विद्या भी व्यक्ति के लिए जा रही है। विद्या के माध्यम से जो देश का उद्धार होना आवश्यकता
वो नहीं हो पाया। जहाँ तक मुझे स्मृति है, जब यहाँ पर विज्ञान के स्तर को और रूप देने के लिए तात्कालिक शासन में जो प्रधानमंत्री थे वो नेहरू जी थे, और कैनेडा उस समय उनके कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा कि आपको भारत में भी मैं ये लाना चाहता हूँ, आईआईटी का जो विज्ञान है, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम है, उसको मैं लाना चाहता हूँ। तो क्या होता है वो, तो ये होता है, इससे बहुत स्तर विज्ञान का बढ़ेगा और देश में एक प्रकार से व्यवस्थित कार्यक्रम बनेंगे। जब बाकी सब उद्देश्य सुन लिया, समझ लिया, नेहरू जी ने कहा ये बहुत अच्छा है, यदि आप लाना चाहते हैं तो हम इसको स्वीकार करते हैं। इस अनुबंध के साथ, कौन सा अनुबंध, हम जो शिक्षित होने के उपरांत जो बच्चे तैयार होंगे उनको 5 साल या 7 साल तक हम अपने यहाँ ही उसके विस्तार के लिए लगाएंगे, अन्यथा कहीं भी हम भेजेंगे नहीं। उसके लिए अमेरिका ने कहा मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता, मतलब सीधा सीधा खरीदने के लिए आ रहा था, इनको समझ में आ गया। लेकिन लोभ में आकर के ये सारे सारे कार्य होते चले गए। अब आज क्या दशा है आपके सामने, एक ऐसे ही समाज से भी अच्छे पद पर आरूढ़ आईएएस ऑफिसर के माध्यम से भी जो अच्छे कलेक्टर का काम कर रहा है, जिलाधीश है, समझदार है, वो कहता है कि जो इस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में हमारा विकास हुआ है किंतु आज भारतीय इंजीनियर 80% किसी काम के नहीं। आप सुन रहे हैं, आपके बच्चे, आप अपनी भावना को पूर्ण करने के लिए कर्ज लेकर के, लोन लेकर के उनको पढ़ाए, और वो बच्चे 80% काम के नहीं, 20% जो शेष रह गए भी बिकाऊ वो विदेश के लिए चले, भारत कंगाल रह गया, कर्ज से भरा गया। अब पिताजी कहते हैं मैं पढ़ा नहीं सकता, और पढ़ा लिखा हुआ लड़का कहता है मैं इस लोन को चुका नहीं सकता, डिफॉल्टर अपने आप को घोषित करता है, मैं उस कर्ज को चुका नहीं सकता, मेरे पास ये योग्यता नहीं, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी मिला है उसके माध्यम से काम धंधा नहीं हो पाता। मतलब शिक्षा के बाद वह काम के लिए ही योग्य नहीं रहा। आप क्या समझ रहे हो, बहुत कठिन है। अब ऐसे ही राष्ट्र सेवा की संकल्प के साथ बच्चे आते हैं, बातचीत करता हूं, लेकिन इस तूफान में हम उन विद्यालयों को खड़े नहीं कर सकते। यह दशा है, और आज हमने सारे सारे बिहार के समय पर इसको देखा। हम 2 वर्ष पूर्व में, क्योंकि आप लोगों का ये आग्रह था, प्रार्थना थी, महाराज एक आध बार राजधानी में चुचा तुम्हारा हो जाए आपका,
वहाँ विधानसभा भी है, नेता लोग भी रहते हैं, नेता लोग भी रहते हैं, कुछ शब्द उनके लिए भी आपके मिल जाए। तो मैं गया वहाँ पर और प्रवास करके आया, उस समय की बात मैं कहना चाह रहा हूँ। कम से कम भी 5-6 व्यक्ति उस समय आगे की कहा, महाराज आप विद्यालय वगैरह खोलते रहते हैं तो यह हमारे पास जो इंजीनियर कॉलेज है, विज्ञान का यह महाविद्यालय है, इसको हम लागत से आपको देना चाहते हैं, आप ले लो। ऐसे 5-6 व्यक्ति आए। अभी आप देव नहीं देव देखिए इसको काम ले लो। हमने पूछताछ कर ली, अभी ऐसी क्या दशा है, बहुत अच्छा बना हुआ दिखता है, रंग रोहन को देखने से तो ऐसा ही लगता है। तो कहा कि कोई भी विद्यार्थी इसमें प्रवेश नहीं ले रहा है। 40% ऐसे विज्ञान के महाविद्यालय बंद हो गए मध्य प्रदेश की बात में कह रहा हूँ। अन्य प्रदेश में भी यही गति होगी। विद्यार्थियों को देखने से जो पूर्ण अध्ययन किए हुए हैं वे 5-6 हजार के लिए भी, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, जो सुना पढ़ा और फिर विमर्श करने की उपरांत आपके पास रख रहा हूँ कि वस्तु स्थिति यह है कि वे विद्यार्थी जो पढ़े लिखे हैं आज पूर्ण शिक्षण हो चुका है, आगे की शिक्षण लेने की क्षमता भी नहीं है और इसका कोई उपयोग भी नहीं होगा। आवेदन कर रहे हैं कि हमारे लिए कार्य मिल जाए। हिंदुस्तान की बात आप कर रहे हो और वो 4-5 हजार के लिए मुहताज हो रहा है। अब कौन कौन बीटेक, एमटेक, एमबीए प्रबंधन वाले और स्नातक स्नातकोत्तर सब विषय संबंधी और अंतोगत वे पीएचडी अनुसंधान करने वाले शोध साथ से शोध भी कर चुके हैं, वे 4-5 हजार के लिए आवेदन दे रहे हैं। पद है 600-650 और आवेदन करने वालों की संख्या लाखों में। पत्रिका वालों ने पत्रिका में निकाल लिया, क्या आपके शिक्षण की उपाधियों का मूल्य केवल 5 हजार रह गया? शोध करने के लिए तो 3-4 वर्ष लग जाते हैं। सरकार विशेष रूप से धनराशि व्यय कर देती है। सब कुछ होने के उपरांत भी हमारा लक्ष्य 4-5 हजार तक रह गया। जीवन का मूल्य क्या है नहीं समझ में आया। विदेश के एक लेखक ने विश्वविद्यालय के एक जिसको बोल सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, वह एक मुख्य व्यक्ति है जिसको विश्वविद्यालय को व्यवस्थित करना चाहता है और चाहता रहा है। वह कहता है ये वाक्य जब पढ़ा, जीवन जीने की कला कोई किसी एक व्यक्ति ने लिखी किताब, उसमें उस व्यक्ति का जो वाक्य था उसको झोंका क्यों रखते हैं, उसके भाव को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज के विश्वविद्यालय उच्च कोटि के विद्वान बच्चों को निकाल रही है, किंतु वे जंगली
भी अशब्दी व्यक्तियों के समान वैदिक अंश के उपाधि उन्होंने दिए शब्द ढूंढ कर दिए। उसका अर्थ देखा, दो तीन कोशों से पाया कि अशब्दी हाई स्किल आज मोदी जी साहब कह रहे हैं, हम स्किल डेवलप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, कार्यकारी क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, बताओ। पढ़े लिखे तो आपने बना दिए, लेकिन वह 4-5 हजार के लिए कुशल काय के लिए हो गए, मांग करके खाने में कुशल हो गए, आपस में कलह इत्यादि करने में कुशल हो गए, चोरी आदि करने में कुशल हो गए। कुशल तो बहुत, किंतु जिसके माध्यम से, जिस कुशलता के माध्यम से हम श्वासित होते हो और बहुत से जो संकट ग्रसित हो गया उसको हम शांत बना देते हैं, अपने साथ ले जाते हो, तो यह कुशलता मानी जाएगी। यह पवित्र शब्द है कुश, यह कुश उसके लिए आता है जो गणेश जी वगैरह जो महोत्सव होते हैं ना, उसमें कुश को लाया जाता है। संस्कृत शब्द ही है ये, कुशल नाथ इति कुशला, जो कुश को जो दर्भ में है उसको पानी छिड़काने के लिए दे समझे तो उसकी काम में आता है, वहीं पर रखा रहता है उत्सव के समय पर, तो उसको लाने वाला हरेक नहीं ला सकता, बहुत समझदारी के साथ उसको उखाड़ करके लाना पड़ता है। तब जो लाता है उसको दर्व बना करके भोजन के समय पर उस पानी का छिड़काव करता, वो बहुत कुशल माना जाता। ये कुशल अर्थ वाला शब्द आज सबके साथ लागू हो गया। पवित्र काम करने के लिए जो कुशल होता है, अग्रणी होता है, चतुर होता है और दूसरे को भी वह सुखी बनाने का संकल्प करता है और अपने आप को समझता है कि मैं आज कृतकृत हो गया कि हमारे निमित्त से इतने व्यक्ति इससे बच करके, भ्रष्टों से बच करके सही दिशा में आ गए। तो आज उस विदेशी राष्ट्रपति को या किसी को भी यह समझ में आ रहा है, विश्वविद्यालय केवल ऐसे ही व्यक्तियों को निकाल रहा है, ऐसे व्यक्तियों को जीवन का मूल्य ही नहीं समझते। We don't provide them valuable life। हमने उनके सामने जीवन का मूल्य क्या होता है ये नहीं दिखाया, केवल सिखाते सिखाते चले गए। भारत के निर्णय कहने विदेशियों में भी कहा जा रहा है और उसको इन्होंने संदर्भ के रूप में वाक्य रखा, तब हमने माथा ठनक गया। विदेश वाले भी इसको समझ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो गए, लेकिन वहाँ मांग करके खाने के लिए बुरा नहीं मानते, और आप क्या मानते हैं? अरे हमारे यहाँ तो अतिथि देव को बुलाते ही आता है तो अवभाग्य समझते हैं, और हम भीख मांगने के लिए तैयार हो रहे। हमें नौकरी मिल जाए सर रहे, यदि यही दशा रहेगी भारत कभी भी पूर्व का जो भारत था कभी स्वप्न में भी नहीं आ सकेगा। अब उनका संकल्प कौन सा है, पूर्व के भारत का है कि नव भारत का? यदि पूर्व का होगा तो पश्चिम की हवा से बचो पहले। हम पश्चिम की आलोचना नहीं कर रहे हैं कि जिस पद्धति से चलने से हमें पुराने भारत से विमुख होना पड़ता हो, हम उस प्रकार की शिक्षा पद्धति नहीं चाहते।
उस प्रकार के मांगने से हमारा कोई भी काम चलने वाला नहीं। आप इतिहास पढ़िए, भारत को छानने का प्रयास कर लीजिए, क्या क्या था इसके बारे में गहन अध्ययन कर लीजिए। आपके पास जब अध्ययन हो चुका है तो फिर अध्ययन के बाद शोध करना चाहते हो तो किसके पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। शिक्षा पद्धति का आमूल परिवर्तन करने के लिए भारत में एक ऐसा गठन किया बताते हैं, और उस समय गठित जो व्यक्ति थे पांच थे, उसमें शीर्ष के रूप में कस्तूरी नंदन, डॉक्टर कस्तूरी नंदन ने बताते हैं हमारे पास भी आए थे। महाराज मैं जाता हूँ कि शिक्षा में क्या नयापन लाए। हमने कहा नयापन नहीं लाना, पुरानापन लाना है। उसको यदि हम नहीं समझ पाए, नया तो पश्चिमी ही जो कुछ भी हमारे मुँह आने वाली है उसके द्वारा तो आप बाबू बन जाओगे, लेकिन किसी के लिए आधार नहीं ले पाओगे और स्वयं के लिए भी आधार खोज नहीं पाओगे। देव है अदर में, देवता की ओर तो देखते हो आप, लेकिन वो देख रहे हैं नीचे धरती है, आधार है। आप धरती को छोड़ करके निराधार देवों के पास जाओगे तो यही दशा होगी। निराधार नहीं, आधार धरती का रखो और यह धरती हमेशा हमेशा ऐसे भूतों को पैदा कर रखी है जिसके माध्यम से लोग वहां परमात्मा बन गए। देवों में विलासता रहती है, भारत अभी भी अपने भूत को विलासता की ओर जाना नहीं पसंद करता। आपको श्रम करना है और वही श्रम करना है जिसके द्वारा उपभोग पदार्थों का उत्पादन हो और फिर इसके उपरांत आत्म तत्व का क्या कर्तव्य है वो करने में लग जाए। इससे शिक्षा का और बढ़ करके कोई अर्थ नहीं निकलता है, किंतु वर्षों शिक्षा लेने के उपरांत भी हम शिक्षा का मर्म से बिल्कुल वंचित होते जा रहे। आप लोगों के शिक्षा के विषय को सुन करके मुझे आह्लाद हुआ, आप लोगों के संकल्प के विषय को लेकर के आज भी ऐसे संकल्प ही सही केवल धनी है और उसमें कदम उठाने का प्रयास सलाह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मैं ये और दोहराना चाहूंगा हमें उस तूफान से बचने के लिए ऐसे दीपक भी जलाना होगा। बाकी सबसे हम बच सकते हैं, बाकी सबसे हम बच सकते हैं और उस दीपक को जीवित रख सकते हैं, लेकिन अपने ही स्वार्थ से उसको हम बुझा भी सकते हैं। लगता है हमारे विचार ही ऐसे फूट फाट के होते चले जाए तो पुराना भारत तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। उसमें यदि उस नदी में दो भाग तीन भाग सहस्र भाग हो जाएंगे तो आनंद नहीं आएगा। हमें तो जो भिन्न भिन्न दिशाओं में जो बहने वाली नदी थी, गंगा आ गई, यमुना आ गई, सरस्वती और मिल गई। अरे बंधु, यह भारत में प्रयाग होता है, प्रयाग। आप तो नदियों को मिलाने की बात नहीं कर रहे, तो कैसे आप अपने विचारों को मिलाओ तो तीर्थ बन जाएगा। विचारों में विक्राम रखोगे, केवल सत्ता के पीछे रहोगे तो तीन काल में नहीं होगा।
हम तो ये चाहते हैं कोई भी आ जाए शासन में, लोकतंत्र का संविधान है, किंतु ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो राष्ट्र को अखंड बनाए, जनता की सेवा के लिए तत्पर हो और बुराइयों से दूर होने का प्रयास करे, और जो प्रयास करने में लगे हैं उनकी प्रशंसा करके ऐसे गठन की आवश्यकता है जो दोबारा करने की आवश्यकता ही न पड़े। हमें उसी में शांति, सुख, वैभव और सात्विकता नजर आती है। और सात्विकता केवल कदम उठाइए और प्रभु की आप प्रार्थना करिए, प्रभु बनने की जो भावना रखता है वह अवश्य ही ऐसे नागरिकों की भी स्थापना करेगा, उनके दुख और उनके संकट समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा। कोई संकट है ही नहीं समझे, आज केवल भेद मन में भावी प्रकार के हो रहे हैं गलत, उसका कारण यही है साहित्य ऐसा गंदा साहित्य हो गया है जिसको पढ़ने से आपस में कलह ज्यादा तो बढ़ जाए किंतु कलह मिटाने वाला कोई शिक्षक नहीं बनता। एकता के सूत्र में बंध करके हम वास्तव के साथ चले तो यहाँ पर कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, प्रविष्ट हो ही नहीं सकता। ये तो एक बात अलग है, हवा के रुख को भी हम बदल सकते हैं इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु हमारे पास संकल्प चाहिए और संकल्प की प्रति हमेशा हमेशा हमें उन ऋषि संतों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। यहाँ पर उन संतों की कमी नहीं है क्योंकि यहाँ पर उनका लक्ष्य ही बना हुआ जीवन का कि वह अपने कुछ कार्यक्रम के उपरांत उसी के लिए इसे जीवन को रखते हैं और वह कर्तव्य मान करके ही इस कर्तव्य के माध्यम से जो कोई भी अर्जित होता है उसके द्वारा विश्व को शांति की ओर ले जाने का उनका संकल्प है। केवल भारत के ही क्यों, वसुदेव कुटुंबकम ये सूत्र है संतों का, वसुधा मेरे धरती मात्र को हम अपना परिवार मानते हैं। परिवार का अर्थ क्या होता है? एक विचार, उच्च आचार विचार के साथ हम आगे मिल करके चले और जो संकटग्रस्त है वह इसी के अभाव में है, क्योंकि जो व्यक्ति विश्व शांति के बारे में सोचता नहीं और दूसरे के संकट को दूर करने के लिए कभी स्वप्न भी नहीं देखता वही व्यक्ति आज संकटग्रस्त है। केवल भोग थोड़े से पदार्थों के अभाव में नहीं, वह तो कहीं भी कुछ किसी प्रकार से वह ऊपर से देवता लोग आकर के कह देंगे आप ही भैया दूर रहो, यदि आप दे लेते हो तो आपको उदारता के साथ रहने वाले हो, आप स्वयं भी किसी के उद्धार नहीं कर सकते, इतने से क्या होगा, हम बना करके दूसरे को भी कुछ देंगे और थोड़ा सा लेंगे, इससे शरीर को मात्र बनाए रखना है। किंतु प्रभु की बात को सुनने के लिए समझने के लिए अंतर जगत पर्याप्त है, जितना कहूँ उतना कम है। हमें तो वह याद आता है कि यहाँ का नागरिक भी अपने आप में साधुओं के पीछे पीछे चलने वाला होता है। आज लोकतंत्र की आप बात करते हो, नागरिक की बात आप करो, नगर में रहने की योग्यता यदि आपके पास नहीं है अथवा गांव में क्या हो रहा है ये नहीं समझते, यदि गांवों को हम थोड़े से गौन कर दें कि 4-5 करोड़ व्यक्ति जनता उसी में सब कुछ आपका हो रहा है, उसमें कभी भी तीर्थ बनने वाला नहीं, उसमें तो एक प्रकार से स्वार्थ तो आ सकता है,
नगर के विकास को नगर एक मात्र आप नहीं लेकर के चलेंगे तो वहाँ राजधानी वाले हैं, उन्हीं के रोड हैं, उन्हीं के आवास हैं, उन्हीं के वहाँ बगीचा है इत्यादि को भी यदि आप विकास समझते हो तो सारे सारे विश्व को अनाज देने वाले जो किसान हैं वह आपकी दृष्टि में एक गरीब अपर गंवार है। ध्यान रखो उन्हीं के कारण ही आप लोग जो ग्रास खा रहे हो नहीं है तो वही सीमेंट और ईंट चून चार करके खा लो देखिए क्या होगा। और स्मार्ट की बात कर रहे हो आप, स्मार्ट का अर्थ क्या होता है, ये शब्द है, हम विदेशी भाषा से बचे हैं तो हमें एक मंत्र मिल जाएगा। मैं तो समझता हूँ जो कोई भी मंत्र है वह हिंदी में संस्कृत में तो है, अन्य भाषा में भी मिल सकते हैं मंत्र, किंतु इंग्लिश में आज तक हमने कोई भी मंत्र नहीं पढ़ा। लेकिन आप लोग इंग्लिश को मंत्र मुक्त होकर के सुनते हैं मुझे लज्जा भी आती है क्योंकि भारतीय होकर के आपकी कौन सी पहचान है समझ में नहीं आता। अन्यथा कहा हो तो हम आपसे दोबारा नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे इसलिए कहना आवश्यक होता है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। यह इंग्लिश के बिना भारत का उद्धार नहीं होगा, जिस नेता का संकल्प है उसको मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। वे हमारी बात सुने या न सुने कोई वादा नहीं, लेकिन मुझे तो ये लगता है क्योंकि माँ के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, अष्टमिनो व्यक्ति है उसके साथ, यदि उसकी भाषा में हम नहीं बोलते हैं तो हम उनके लिए देवता भी हो तो भी उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए आप सोच लीजिए और बिना सोचे संकल्प ले तो और अच्छा होगा। यह जब तक विदेशी भाषा, विदेशी पाठ्यक्रम, विदेशी सारी सारी बातें रहेंगी तो देशी भाषा को कोई समझेगा नहीं। यदि आप चाहते हैं तो प्रथम कदम उठाइएगा, जो गांव वाले हैं जो अपना संपर्क न्याय की प्राप्ति के लिए भोपाल तक दिल्ली तक रखते हैं तो उनके लिए उनकी भाषा में कम से कम न्यायालय घोषणा कर दे तो मैं समझूंगा कि हाँ कुछ प्रभाव पड़ रहा है। नहीं है तो वो क्या समझेंगे ग्रामीण, मैं सत्य हूँ क्या असत्य हूँ, मेरे तरफ से न्याय हुआ है क्या उनके तरफ से न्याय हुआ है। वह हमेशा हमेशा ग्रामीण भाषा से देशी भाषा से रहित होकर के जो वकील और जो न्यायाधीश हैं वे केवल इंग्लिश में ही उनको खोलना चाहते हैं, कहीं अभिशाप न लग जाए उनको भारतीय भाषा में कर ले तो अन्याय हो जाएगा। ऐसा है क्या, क्या जो ग्रामीण है उसकी भाषा में न्यायालय में घोषणा करने से गलत हो जाएगा न्याय? लेकिन ऐसा ही समझ रखा है, हम अपने भाव को अपने भाषा में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। वकील ले आओ, क्या कोई लिखा हुआ है ये हमें बताओ? वकील को लगाने से ही न्यायालय में न्यायाधीश घोषणा कर सकते हैं, नहीं है तो वह घोषणा सही नहीं मानी जाएगा। ऐसा कुछ संविधान में लिखा हुआ है? खुद भी पैरवी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं तो कर सकते हैं तो अपनी भाषा में करेगा वो, आप इंग्लिश पढ़ कर क्या आएगा क्या? हाँ अपने न्याय सुनने के लिए आपको इंग्लिश आती होगी आती होगी, मुझे तो अपनी बात कहनी है। मैं टूटी टूटी फूटी जो कुछ भी ग्रामीण भाषा में मैं अपने भाव व्यक्त कर रहा हूँ सुन लो, अब इसके उपरांत आप निर्णय ले लो, मैं आपको ही मानूंगा, लेकिन मेरी भाषा में मुझे सुनाओ।
और सुनाते सुनाते आप रो जाओगे, मैं जब आप भावों की अभिव्यक्ति कर दूंगा तो सत्य तो सत्य होता है, इंग्लिश में ही सत्य छुपा हुआ है क्या? अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, तो कब आएगा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। पंचवार्षिक योजना कितनी बार करना चाहते हो अब? 17 साल तो हो गए, अब जब आए थे जन्म लेकर के, अब तो आप बूढ़े हो गए हो, अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। हमें तो समझ में आई है, वो आपके सामने रख दी, इसमें कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो हम तो गांव के हैं सीधे बोलने वाले, अब इधर उधर की बातें तो नहीं समझता। अब ये गांधी जी सीधे ही ऐसे ही बोलते थे, वह किसी पढ़े लिखे से भी बोलते थे और ग्रामीण व्यक्तियों से विशेष रूप से बोलते थे। नेहरू जी जब बोलते थे उनके सामने कोई भी नहीं आता था। नेहरू जी कहते थे गांधी जी को, आपके पास भीड़ आ जाती है, मैं देखता रहता हूँ। अरे तुम तो भाषा की ओर देख रहे हो, भाव की ओर पकड़ो। भाव को पकड़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कोई लच्छेदार भाषा से नहीं चलने वाला भारत, भारत तो भारत है। इसलिए अभी भी आप सुधरो तो इसी माध्यम से सुधर सकते हो। एकता के साथ यदि यह बीड़ा उठा दोगे आप, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ आपके विजय आपके सामने है। लेकिन केवल इस प्रकार हम करेंगे तो कभी नहीं होने वाला है। हमने जो आए थे नेता लोग उनके सामने रखा है, दो बातें रखी थी, शिक्षा और चिकित्सा। ये किसी भी नेता के माध्यम से न चले। हाँ, इसमें जितने भी महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, खोलने वाले वही सारे हैं, तो वो उसका प्रबंधन करने और शिक्षाविद और चिकित्साविद जो हैं वे एक प्रकार से इनको चलाए। निश्चित रूप से इसमें बाधा काम आपका हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के संकल्प के साथ मतदान होगा तो ये कार्य होगा, नहीं तो 3 काल में होने वाला नहीं। और केवल आप मतदान के समय पर ही आचार संहिता सुन करके वोट डाल करके आते हो, मतदान करके आते हो, फिर 5 साल तक तो आपको फुर्सत नहीं और उनको भी कोई फुर्सत नहीं। ऐसा हो रहा है, ऐसा नागरिक का कार्य नहीं होता। यदि आप लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हो और अपने स्वरूप के साथ रखना चाहते हो तो नागरिकता क्या होता है, उस नागरिकता क्या होती है इसको समझो और उसी के योग्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे बहुत अच्छा है। एक लेखक ने बहुत परिश्रम करके उस दिशा में एक किताब लिखी है, इसका मैं प्राय करके सब लोगों के सामने एक प्रकार से उद्धरण देता हूँ। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी माध्यम का भ्रम जाल, इस शीर्षक से किताब लिखी है। अब जितने भी शिक्षक हैं और आप शिक्षा के महत्व को समझते हो उसको पढ़ लो और अभिभावकों के सामने रखो। इंग्लिश माध्यम से पढ़ने से ही भाषा अथवा हम शिक्षक अथवा शिक्षा पा सकते हैं, ये भ्रम को छोड़ दो, ऐसे उस लेखक ने लिखा है। और वो अच्छे इंजीनियर हैं और अमेरिका में रह करके भी उन्होंने अपने अध्ययन किए, अनुभव लिए हैं, फिर बाद में लिखा उन्हीं देश विदेश वालों को, यह अंग्रेज के भ्रम को निकाल दो आप, कि अंग्रेजी में ही बोला जाता है तो विज्ञान आता है, अंग्रेजी में बोला जाता है तो राष्ट्र की उन्नति होती है, अंग्रेजी माध्यम से करने से ही शोध आदि आदि अनुसंधान होते हैं, ये सब भ्रम जाल है, दुनिया को धोखा देने से और कुछ है नहीं। यदि ऐसा नहीं उठा तो उन्होंने ये निकाला है उत्तर कि जो इंग्लिश को
छूटे तक नहीं है और वो भी बिना इंग्लिश के ही महान राष्ट्र बने हैं। रूस है, चीन है, जापान है, जर्मनी है और इजराइल है, आदि आदि बहुत सारे राष्ट्र हैं जो कि विश्व में तहलका मचा रखा है। फ्रांस भी है उसमें, बड़ा फ्रांस है वो भी है, कोई इंग्लिश को छूटा तक नहीं। आप बताओ इंग्लिश पढ़ने से ही उन्नति होती राष्ट्रों की, तो इनकी कैसी हुई? इसलिए भारत को इनकी ये दिशा के इनकी दिशा में ही काम कर लेना चाहिए। इंग्लिश की कोई आवश्यकता नहीं, इंग्लिश पढ़ा लिखा ही पढ़ा लिखा माना जाता और उससे पहले तो यहाँ पर कोई पढ़े लिखे थे ही नहीं। ऐसा होगा यहाँ का अनुसंधान, यहाँ का विश्व को बोध देने के तरीके विधि बहुत महत्वपूर्ण थे। इस इतिहास को आप लोगों ने गौन किया इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा समझता हूँ। समय आपका हो गया होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ, 3:30 तो बज गया, पता नहीं समय, जब पता नहीं लगता तभी तो ध्यान लगता, तभी ध्यान लगता तो कभी ज्ञान होता है। करते हुए गुरु जी के प्रति श्रद्धा भाव, निर्वाणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण है। अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना।